सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए फिर से पहुंचे हैं जी चौधरी डेयरी फार्म, गांव महिया वाली, तहसील और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर इस गांव को लगता है जी, राजस्थान का एरिया जी। और रेगुलर वीडियोस भाई साहब के घर से, राकेश जी के घर से अपने चैनल पर आती रहती हैं। एक बात भाई साहब के बारे में जो हर बार मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि चौधरी डेयरी फार्म बस नाम ही काफ़ी है जी। कांटे पर दूध तोड़कर कोई भी भाई यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे वो देसी ब्रीड हो, साहीवाल में हो, थार पारकर राठी हो, या एचएफ क्रॉस गाय आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हो। वीडियो में सामने ओवरऑल आज 10 गाय है जो आप लोगों को दिखानी है। ओवरव्यू में आप लोगों को पता चल गया होगा कि सभी की सभी ब्रीड आज फिर से मिलेंगी। दूध निकाल कर भी ख़रीद सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपकी इच्छा है वैसे गाय आप लोग भाई सबसे खरीद सकते हो जी। बातचीत आगे की करते हैं चौधरी जी के साथ और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी राकेश जी। सत श्री अकाल भाई, राम राम। राम राम जी, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी, अपने बताओ क्या हालचाल है? बहुत अच्छे जी। और आज तो मौसम बड़ा सुहाना बना रखा है। सही बात है जी, आज तो बारिश हुई तो पशुओं के लिए भी अच्छा और खुद के लिए भी। आज तो ऐसे हो रहा है, शिमला बना रखा है यहीं पर ही। सही बात है जी। सबसे पहले तो भाई साहब अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। कॉन्टैक्ट नंबर है भाई साहब अपने 8950-27002। ओके, गांव मैया वाली है जी, जिला श्री गंगानगर, तहसील श्री गंगानगर। फोन नंबर बता दिया जी आपने। और श्री गंगानगर से कितना रह जाता है जी? 10-12 किलोमीटर है जी। ओके जी। और अगर बात करूं तो जैसे लाइव भी चलाया जी, हाँ जी, दोबारा से अब वीडियो भी बना रहे हैं, तो ऐसे नगीने कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए? यहीं से लाते हैं जी, किसान से लेकर आते हैं। कुछ ऐसे अपने फार्म से जाती रहती है, 8-10 साल हो गए। हाँ जी, जिसके पास बछड़ी तैयार हो जाती है अपने को वापस दे देता है, या अपने से जो गाय लेकर गया है वो कोई कारणवश है, कोई भी कोशिश कर उसे ले आते हैं। ओके जी। अब अगर बात करूं आज वाली गायों की, बात करूंगा जी, कितने दूध से स्टार्टिंग होकर हाईएस्ट कितने दूध वाली हैं जी? अपने पास जी 15 लीटर से लेकर 40 प्लस की है। 15 लीटर से स्टार्टिंग और हाईएस्ट 40 से प्लस जाएगी। ब्रीड कौन कौन सी मिलेगी? ब्रीड साहीवाल है जी, ये क्रॉस में है, राठी भी है। ओके जी, कहने का मतलब सभी भाइयों का ख्याल आज रखा गया जी। हाँ, सभी अपने पास सारा जी, अपने ऐसे नहीं बोलते मैं ब्रीडर हूँ जी, उस पर अपने सारा करते हैं, हर प्रकार का किसान आता है। हर, सही बात है जी, क्योंकि आपके घर पर तो दूध के लिए भी, जैसे उधर पीछे हैं गाय रखी हुई है जी, आप मेन पर्पस अपने दूध के लिए बड़ी लेते हैं, कोई बिक जाती है तो वो है जी, चलो उस बराके चौधरी जी 2 रुपए ले लेंगे जी, साथ में ऐसे गाय कितनी अच्छी लाए उस अपना नाम भी हो जाए उसमें। अच्छी बात है। और दूध का तो आपने बता दिया जी, अब दाम के बारे में बताइए, कितने के दाम की एवरेज? दाम जो 35,000 से लेकर 1,20,000 तक है जी। 35,000 से स्टार्टिंग और 1,20,000 तक। अब ऐसा कीजिए जी, एक एक करके गाय चलाकर दिखाइए, आगे की बातचीत फिर साथ में करते जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई, अब गाय सिलेक्टेड गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस नगीने से, क्वालिटी आप लोगों के सामने, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी राकेश भाई, डिटेल बताइए जी। भाई साहब दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। दूसरे ब्यांत में कितना टाइम लेगी सर? अभी 10 दिन ले लेगी जी। 10 दिन। और दांतों से 6 जी। 6 दांत है जी। और अगर ब्रीड की बात करूँ तो क्या कहना चाहोगे जिसकी? ब्रीड आपके सामने जी, जर्सी में है साहब। ओके, बोलने की जरूरत ही नहीं, जिस भाई को नॉलेज है वो तो देख के पहचान ले। जैसे अक्सर ये बात बोल दी जाती है वीडियोस में कि पंजाब वाली जर्सी है। हां, पंजाब वाली जर्सी है जी, पंजाब वाली जर्सी है जी। क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। मन की बात आपने आपने जुबान पर ला दिया। हां जी। और ब्याने में कितना टाइम है जी? 10 दिन ले लेगी जी। 10 दिन। आंचल का साइज गैप आप लोगों के सामने है जी, अडर आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा लूज अभी पड़ा हुआ है जी। राकेश भाई कितने दूध की उम्मीद से खरीदी है जी? जी 30 लीटर तो आराम से देगी। 30 लीटर? 30 में तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ओके जी, जो भाई जी इसको ले रहा है आज, इसका मन है वो 30 लीटर पर अपने पर उसके ज्यादा दे, पर 30 लीटर की तो आज कोई टोकन मनी डाल देता है तो अपने ब्याने के बाद 30 किलो तोल कर दे देंगे उसको। ओके जी। और क्या दाम रखा गया भाई इसका? 1,20,000 रुपये भाई साहब। 1,20,000 इसका दाम है जी। मौके पर कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई भाई आएगा तो मान सम्मान कर देंगे। अगर कोई भाई ये सोच कर कहीं ना कहीं मन से आ जाए कि 1,00,000 से या इससे कम मिल जाएगी? नहीं, 1,00,000 से कम नहीं हो पाएगी भाई साहब। ऐसी कोई आपको मिले तो आप बता दो, आप भी रात दिन फिरते हो हमसे ज्यादा हो। पता क्या जी, अक्सर कमेंट में भी बोलते हैं भाई साहब जिसको ना पता है वो तो 25 भी लगाएगा इसका। सही है जी, उसमें क्या है कि मेरा फर्ज बनता है पूछने का। ना ना, वो आप बिल्कुल जायज आपकी बात। ओके जी, 1,00,000 से कहने का मतलब ऊपर ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। ओके जी, इससे आगे दूसरे नंबर पर ये एक और क्रॉस ब्रीड की बहुत ही ज़बरदस्त गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। हो सकता है वीडियो में आप लोगों को उतना आइडिया ना हो, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है जी। वज़न में बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत लंबी है इस गाय की। डिटेल भाई साहब से जानते हैं। हाँ जी सर। दांतों से 4 है भाई साहब। ओके जी। फर्स्ट ब्यांत में बच्चा देगी,
अभी 8-10 दिन इसके भी बाकी है। 8-10 दिन हाँ। पहले ब्यांत ब्याने में अभी लेगी। और कितने दूध की उम्मीद तो भाई साहब मेरे आइडिया से तो पूरा 35 लीटर देना चाहिए जी। ओके जी, पर 30 तो प्लस देगी, 30+ में तो किंतु परंतु भी नहीं है। सही है जी, 30+ श्योरली देगी। श्योरली मुंह से चार दांत है पहले ब्यांत में। हाँ, पहले ब्यांत है जी। क्या दाम रखा गया सर? मोल जो मर्जी कराओ, लाख करवाओ, 10 करवाओ, 90,000 फिक्स प्राइस है, यस और नो जी। 90,000 फिक्स प्राइस रहेगा, यस और नो? यस और नो। शांत स्वभाव की रहेगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं इसका, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत वाली। ओके जी, इससे आगे तीसरी गाय, इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और जर्सी क्रॉस की गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी राकेश, दूसरे ब्यांत की भाई साहब बच्चा देने वाली है, 8-10 दिन अभी इसके पेंडिंग है। दूसरे ब्यांत में 8-10 दिन अभी लेगी। कितने हाँ। दांत है जी? दांत 6 है जी। 6 दांत। और पहले ब्यांत में कितना दूध निकाला है जी? 20 लीटर दिया जी, 20 की अभी फुल गारंटी लेते हैं। 20 लीटर पहले ब्यांत में हाँ। और अभी 20 लीटर की आपकी गारंटी है कि श्योरली देगी ही देगी? फुल गारंटी 101% के साथ। ओके जी, क्या दाम रखा गया सर इसका? फिक्स प्राइस है 55,000 रुपए। 55,000 फिक्स प्राइस है दोस्तों। गाय की क्वालिटी आप लोगों के सामने, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। और सबसे खास बात जो है वो इसके अडर की बनतर है जी, आंचल का साइज गैप सब कुछ एक समान है। मिल्क वेन आप लोग अच्छी तरह से सामने देख सकते हो, अच्छी बड़ी मिल्क वेन बना रखी है और क्वालिटी में भी गाय अच्छी है। 55,000 फिक्स प्राइस है जी। इससे आगे जी चौथी गाय चला कर दिखा, इससे आगे चौथे नंबर पर ये एक और क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी राकेश जी, डिटेल बताओ भाई साहब। दांतों से 6, दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत 6 दांत। पीछे ये बछड़ी, अंदर बछड़ी है जी, आज 6ठा दिन है ब्याई को। ओके जी, पीछे बछड़ी है। अभी 30 लीटर एकदम गारंटी शुदा दूध तैयार है। 30 लीटर निकालने वाला दूध तैयार है जी। जो निकालने वाला है वो रेडी है, वही बता रहे हैं जी। ओके जी, कितने तक चली जाएगी? और 34-35 लीटर डाली दीजिए, हाइट बॉडी वेट और जो अडर है उससे आराम से डालेगी जी, अभी तो 6 दिन की हुई है। ओके जी, क्या दाम रखा गया भाई इसका जी? मोल जो मर्जी करो भाई साहब, फिक्स प्राइस 80,000 रुपए बस, ये 80,000 फिक्स प्राइस, 80,000 कोई प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं है जी। ओके जी, इसके आगे ऐसा कीजिए, इसकी बाकी वाली गायों की डिटेल आप ऐसे ही बता दीजिए। हाँ, ये दूसरे ब्यांत की भाई साहब 24-25 लीटर दूध तैयार है अभी। कब की ब्याई है? 6-7 दिन हुए हैं इसको भी। और क्या दाम रहेगा जी इसका? 55,000 रुपए फिक्स प्राइस है। 55,000 फिक्स प्राइस है जी। ये फर्स्ट ब्यांत ब्याने वाली से ये बछड़ी अभी 20 दिन ले लेगी। 20 दिन अभी लेगी हाँ, आराम से 13-14 लीटर दूध डाल देगी, शांत स्वभाव ये बिल्कुल। हाँ जी, और ये 35,000 रुपए दे देंगे। 35,000। उसके बाद वो साहिवाल आ गई जी। साहिवाल ये फर्स्ट ब्यांत की है जी। ओके जी, और कल ही बच्चा दिया, अभी 12-1 लीटर खीस है पका। ओके, कितने दूध तक चली जाएगी? दूध तो जी 15 लीटर तो गारंटी वाला है, कोई भाई लेना चाह रहे तो 15 लीटर की आज टोकर मनी डाल दो, 15+ निकाल दे, पर 15 ही तो फुल गारंटी है। क्या दाम है जी इसका? 55,000 रुपए जी। 55,000। और एक इधर वाला नगीना आ गया जी, छोटा नगीना। ये बछड़ी कितनी एज होगी जी इसकी? इसकी 2 महीने की है जी। 2 महीने की। माँ का दूध वगैरह कितना है जी इसका? 35 लीटर तैयार है जी, कोई भाई लेना चाहे, अपने पास गाय भी खड़ी है, बच्चा उसके नीचे छोड़कर 2 टाइम मिल्किंग करके फिर ले जाए। ओके जी, इसका क्या दाम रखा? इसका 15,000 रुपए। 15,000 इसका फिक्स प्राइस। ओके जी, इसके अलावा अब उधर कॉर्नर में एक काफी बड़ी गाय है जी, इसकी डिटेल पहले बता दीजिए। ये जो सामने वाली है जी, ये दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है जी। ओके जी, और फर्स्ट में इसने 35 लीटर दूध दिया है, क्रॉस ब्रीड में 40 लीटर की उम्मीद है, पर 35 में तो किंतु परंतु ही नहीं रहेगा। ओके जी, क्या दाम है सर इसका? 85,000 रुपए जी। 85,000। इसके साथ वाली? इसके साथ वाली दूसरे ब्यांत की अभी 30 लीटर मिलक रेडी है जी। ओके जी, क्या दाम इसका? 85,000 रुपए पीछे बछड़ी है जी। ओके जी, अब लास्ट में ये वाली गाय आ गई जी, ये अभी बच्चा देने वाली है, दूसरे ब्यांत में ब्याएगी, फर्स्ट ब्यांत में 30 लीटर दूध दिया हुआ है जी, 30 मतलब उम्मीद है आपके पास ज्यादा ही देगी, 1-2 लीटर, पर 30 में तो किंतु परंतु नहीं देगा। इसका क्या दाम रखा? इसका 80,000 रुपए जी। 80,000, 80,000 ही इसका दाम है। चौधरी साहब, ये तो आज की गायों की डिटेल होगी जी, बीच बीच में से क्या सभी गायों की डिटेल हम लोगों ने बता दी? हाँ जी, सारों ने बता दी सर। अगर HF में कोई बात करे कि थोड़ी जैसे आज वाली गाय हाई रेंज की होगी जी, सस्ती में जैसे 50-55 वाले भाव में HF मिल जाएगी? भाई साहब अपने तो लाते नहीं कम दूध की, ना तो अपने फार्म पर चलती है, ना मैं कम दूध की लाता हूँ। ये भी सही बात है जी, अगर दूध का काम है तो कम दूध वाली का कोई काम फायदा नहीं, बेनिफिट ही नहीं है। करें क्या, ये तूड़ी हो रखे दाना, इसमें कम से कम 35 लीटर प्लस की गाय है, चल रेट अब बढ़िया हो रखा है, 38-40 रुपए डेयरियों पर जा रहा है जी, पर थोड़ा बहुत जिसका कोई हरे चारे का भूसे का जो रेट है तो उसमें आपके पास रेट में भी बढ़िया रेट मिल रहा है। सही बात है जी, तो इस रेट के बगैर अपने अपने फार्म पर नहीं मिलती जी। ओके सर, अब एक बार फिर से अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बता दें। हाँ, 89550 है जी, 27002, गांव मैया वाली है, जिला श्री गंगानगर, तहसील श्री गंगानगर, सूरतगढ़ से, गंगानगर से सूरतगढ़ की तरफ आएंगे तो टोल नाके से जस्ट अपना गांव है। ओके सर, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ओके भाई कुलवीर भाई। हाँ जी दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी ये वीडियो, अगर भाई साहब का काम अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई कमी पेशी हो तभी भी बताइएगा। आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग।